अब अगर सीटें खाली रहती हैं तो मॉप अप राउंड। चलिए आज बात करने वाले हैं पीजी की जो काउंसलिंग है, यानी कि पीजी की काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। EEEC.gov.in ये साइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं और वहां पे जाके आप भी शेड्यूल देख सकते हैं, आप भी ब्रोशर पढ़ सकते हैं और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इस बार 2021 में वो भी आप जान सकते हैं। डीमेड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, पीजी ऑफर कर रहे हैं बीएमएस में, एमडीएमएस जो करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बीएचएमएस वालों के लिए भी है। तो सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ आज, बनी रहेगा वीडियो पे। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, पीजी वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो पीजी काउंसलिंग के लिए बैठे हुए थे, मतलब जिन्होंने AIPGET दिया है एग्जाम इस बार का 2021 में, ठीक है, तो उनके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है और काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, 17 तारीख को मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरी बातें जानेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वेबसाइट का लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ क्या। सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, एक नया जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, अपडेट है एक तरीके का, कि AIPGET के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है वो अपडेट किए गए हैं, तो आप अपना स्कोर कार्ड दोबारा निकाल लीजिए जाके, ठीक है ना। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, AIPGET लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे AIPGET का कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस खुल के और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो पब्लिक नोटिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, पब्लिक नोटिस 13 जनवरी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने पास PDF खुल के आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, कि कुछ इस तरीके से बताया गया। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़ के सुना देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लेटर डेटेड इतना 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 इतना, डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ केरला इतना इतना, आंसर की फॉर क्वेश्चन आईडी 745 and 52 ऑफ आयुर्वेदा हैव बीन रिवाइज्ड, मतलब क्वेश्चन आईडी जो थी, क्वेश्चन नंबर 745 और क्वेश्चन नंबर 752 ऑफ आयुर्वेदा हैव बीन रिवाइज, दोबारा से रिवाइज किए गए हैं, दोबारा से चेक किए गए हैं, शायद पहले कोई गलती हुई होगी। द कैंडिडेट हु हैड अपियर्ड फॉर आयुर्वेदा एग्जाम ऑन 18/9/2021 फर्स्ट शिफ्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू डाउनलोड देयर रिवाइज्ड स्कोर कार्ड, ठीक है, तो स्कोर कार्ड अपडेट कर दिए गए हैं, तो अपडेटेड स्कोर कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक AIPGET.NTA.AC.IN से कर सकते हैं, और कोई डिफिकल्टी आने पे यहाँ पे दिया हुआ है NTA मेल दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक नया अपडेट था जो AIPGET को लेके, जो लोग काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं वो पहले अपना स्कोर कार्ड एक बार अपडेट कर लें, चेक कर लें, क्योंकि ये नया नोटिस आया है इसीलिए बता रहा हूँ। पुराना स्कोर कार्ड का स्कोर मत भर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे होती है, बहुत फासला आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अपडेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आप बात करते हैं किसकी, काउंसलिंग की। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा आप किस चीज़ के बारे में, EEEC.gov.in लिखूंगा, आप भी लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक दे दूंगा और वहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग में कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यूजी काउंसलिंग में कोई अपडेट नहीं है, अवेलेबल सून करके आ रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी अवेलेबल सून, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कर्सर को। उसके बाद बात करेंगे, वापस जाएंगे और पीजी काउंसलिंग का जो अपडेट आया उसके बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और पीजी काउंसलिंग के बारे में देख लेता हूँ। तो पीजी काउंसलिंग का जो है यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, जहाँ पे काउंसलिंग नोटिस फॉर ऑल अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स के बारे में एक नोटिस जारी हुआ था, जो इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैंने लगा दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा दिया था। तो पीजी की जो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक आपको नोटिस दिखेगा, नोटिफिकेशन काउंसलिंग नोटिस और अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स के लिए बहुत पहले आया था, तो ये इंस्टाग्राम की स्टोरी और कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लगा दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि काफी लोग को मिल नहीं रहा है कि कहाँ है शेड्यूल, कहाँ है शेड्यूल, कहाँ है, कहाँ है शेड्यूल, कहाँ है ब्रोशर। तो बता दूं, देखो यहाँ से आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट्स का PDF खुल जाएगा या साइट खुल जाएगी जिसमें लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग स्कीम आपको कहाँ से देखनी है बता देता हूँ। देखिए ये मेरा कर्सर, देखिए काउंसलिंग स्कीम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए EEEC PG काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको दोनों चीज़ें। अब सबसे बड़ी बात पहले हम देख लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल क्या क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। तो काउंसलिंग शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको, EEEC PG काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और इसे हम PDF में, ये आ गया हमारे सामने भाई। चलो अब करना क्या है, लो करना ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या क्या है। देखिए रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट दोनों की डेट यहाँ पे बताई गई है, 17 जनवरी 2022 टू 20 जनवरी 2022 टिल 5 PM एज पर द सर्वर टाइम, ठीक है। तो 17 जनवरी से रजिस्ट्रेशन होगा 20 जनवरी 2022 तक। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 20 जनवरी, ठीक है, तो 20 जनवरी तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। गलती ना करना, ठीक है, टाइम टू टाइम भर लेना, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिल जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने लगा दिया है ये वाला अपडेट। अब बात ऐसी है कि अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टॉपर्स टॉक सुनना चाहते हैं या टॉपर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोचिंग लेना चाहते हैं AIPGET की,
तो आपता आयुर्वेदा से जुड़ सकते हैं। आपता आयुर्वेदा के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इवन मैं अपने उसमें टैग भी करूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये फर्स्ट राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कब होगी? 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में चॉइस फिल करनी है और उसको लॉक करना है, दोनों काम करने हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कर दिया बैठे आराम से, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो सीट अलॉटमेंट का जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आपका 21 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से या मेल कर सकते हैं, वो जो भी इनका प्रोसेस है, आप मेरे ख्याल से साइट पे ही आएगा। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट की बात कर लें तो 24 जनवरी 2022 को पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉल इंस्टीट्यूट आपको रिपोर्ट करना है 25 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी के बीच में। तो ये भी डेट बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि कभी कभी क्या होता है फाइन भी लग जाता है लेट ज्वाइन करने से। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की मैंने बात बता दी आपको 21 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 24 जनवरी होगा फर्स्ट राउंड का। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट भाई आते हैं सेकंड राउंड पे। तो सेकंड राउंड देखिए, पहले तो मैं इतना बता दूं कि तीन चरण के अंदर, थ्री राउंड्स के अंदर काउंसलिंग होनी है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। अब अगर सीटें खाली रहती हैं तो मॉपअप राउंड, तो यहाँ पे सेकंड राउंड की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड राउंड में 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपके क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे और पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 7 फरवरी 2022 तक। समझ गए, चॉइस फिलिंग लॉक दोनों करने हैं तो 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, और अगर आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की डेट जाननी है तो वो है 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी। यहाँ पे मेरे कर्सर को देखते रहिए। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट की बात कर लेते हैं, 10 फरवरी से लेकर 22 तक रहने वाला, यानी कि 10 फरवरी तक है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। रिपोर्टिंग आपको करनी है 11 से लेकर 18 तक के बीच में। नेक्स्ट अगर सीट मॉपअप राउंड होता है तो कुछ यही रहने वाला है, और अगर थर्ड राउंड कंडक्ट होता है तो भी यही जो है शेड्यूल रहेगा। तो थर्ड राउंड की बात कर लें तो 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की वो मिल रही है डेट, पेमेंट फैसिलिटी की जो डेट है टिल 27 फरवरी 2022 तक मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें इसकी चॉइस फिलिंग लॉकिंग की तो 25 से लेकर 27 फरवरी तक आपको चॉइस फिल और लॉक करनी है। 28 फरवरी टू 1 मार्च तक आपको यहाँ मिलेगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। उसके बाद बात करेंगे आगे पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो उसके लिए आपको मिलेगा 2 मार्च को ये पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। और आपको कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है यानी कि रिपोर्टिंग करना है, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने का डेट दिया गया है। तो ये कुछ चीजें दी गई हैं कि कितने कितने दिन हैं, नीचे बताए गए हैं 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन और 8 दिन। ठीक है, तो ये आपका क्या था काउंसलिंग शेड्यूल जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज की, अब बात करेंगे हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल हो गया है, काउंसलिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे में होंगे तो उनमें से आपका जवाब वहाँ पे लिखा होगा, आप वहाँ से अपना जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट फटाफट बता देता हूँ। देखिए साइट जो है काउंसलिंग का, काउंसलिंग कराने की जो साइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे साइट ये रही www.aaacc.gov.in आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको जाके काउंसलिंग करानी है। ठीक है, बाकी सारी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपको एक फ्लो चार्ट के तौर पर समझाया हुआ है। ठीक है, 50% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूशंस और 100% डिमीड यूनिवर्सिटीज, जितनी भी डिमीड यूनिवर्सिटीज है 100% है उनका। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 50% ऑल इंडिया कोटा रहने वाला है और 50% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा रहने वाला है, ये यहाँ पे बताया गया है। ऐसी सेम बीएचयू का है, बीएचयू में 50% ऑल इंडिया कोटा रहने वाला है और 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब उनका खुद का। ठीक है, ये है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर लें तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट आपको सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट, पीडब्ल्यूडी 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस 10% एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग पूछेंगे कि सर सिक्योरिटी मनी वगैरह के बारे में बताया नहीं आपने। तो यहाँ पे देखिए राउंड वन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी आपकी कितनी रहने वाली पूरी काउंसलिंग के लिए, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपके पास 10,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। समझ रहे हो, अगर आप इनमें इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराते हो तो 10,000 सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डीमेड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो तो आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी यहाँ पे देना पड़ेगा काउंसलिंग कराने के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी मनी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हमारे पास, सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी ये होता है कि अगर मान लो आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं होता है। तो 2,000 रुपये फॉर दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए है, 2,000 रुपये यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 1,000 जो है वो आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और 5,000 जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है डीमीड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी फी यहाँ पे लिखा हुआ है विच विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट्स आफ्टर जॉइनिंग द अलॉटेड कॉलेज और इफ कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी सीट ड्यूरिंग द काउंसलिंग टू द बैंक अकाउंट गिवन बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको क्या होगा, मिल जाएगी वापस, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी फी जो होती है वो रिफंडेबल होगी और रजिस्ट्रेशन फी जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे
यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको सबमिट करने होंगे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं सर्टिफिकेट्स, जिसका जो जो सर्टिफिकेट लगे वो यहाँ से प्रिंट करा के निकाल सकता है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट कौन कौन से है। देखिए ये जितनी भी लिस्ट है आपको कहाँ मिलेगी, मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा दी है, कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दी है, नहीं तो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं ब्रोशर खोल के, ठीक है। तो इसमें ये बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर दो आ रहे हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी, ये तो है, और दूसरा सबसे फेवरेट लोगों का चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली, ये वाला कॉलेज। उसके बाद कर्नाटका की बात कर लें तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, जो कि यही है बैंगलोर में, ठीक है, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मैसूर, मैसूर के अंदर है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है बैंगलोर से। और तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेल्लारे कर्नाटका, अब ये जो है ना तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेल्लारे कर्नाटका, इनकी इसमें एक टीचर है जिनका नाम है डॉक्टर मोहसिन सर, तो डॉक्टर मोहसिन सर इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगर मान लो किसी को इसमें कॉलेज, इस कॉलेज, ये कॉलेज अलॉट होता है कर्नाटका में, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉलेज है, और आपको जो है उन सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो शल्या के टीचर हैं, सर्जरी पढ़ाते हैं और प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी मैं टैग कर दूंगा, ठीक है, अपनी वीडियो में, तो आप उनको भी जाके उनका भी चैनल देख सकते हैं, अच्छी अच्छी सर्जरीज वो सिखाते हैं। तो डॉक्टर मोहसिन सर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश ग्वालियर वाला, उसके बाद रीवा, उसके बाद उज्जैन और भोपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा वही उत्तर प्रदेश ललित हरि स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है। सैक लखनऊ यानी कि स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ है। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में हरिद्वार, ठीक है, गुरुकुल, और वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, वेस्ट बंगाल। गवर्नमेंट एडिड की बात कर लें तो केरला के दो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नाम है दिया, एक थ्रिसर में है, एक मल्लपुरम केरला में है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पार्टिसिपेट कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा राज जयपुर राजस्थान, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे डीमीड में बता दूं मैं आपको, केली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, अमृता स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेट कर रहा है, महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज वर्धा, डीवाई पाटिल ये कर रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ये भी डीमीड, ठीक है, श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई तमिलनाडु ये भी अच्छा कॉलेज है और ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होम्योपैथी कॉलेजेस की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी तो नहीं बता पाऊंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो कुल मिला के ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दी, ठीक है। चलते हैं आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तब तक के लिए रखिए ख्याल और काउंसलिंग की डेट्स याद रखिएगा, काउंसलिंग अच्छे से करिएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है, और आप अच्छे से पीजी कर लो फटाफट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।